हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आशीष और अफ्रीका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं रवांडा के लिए। तो ये हमारी फ़्लाइट खड़ी हुई है। हम लोग अभी एयरपोर्ट से अभी सारा इमिग्रेशन और बोर्डिंग वगैरह सारा क्लियर करके अभी जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो ये हमारी फ़्लाइट खड़ी हुई है। तो चलिए दिखाते हैं आपको सारा प्रोसेस कि फ़्लाइट के अंदर है क्या क्या है और कैसे सीट नंबर वगैरह मिलती हैं। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं फ़्लाइट के पास। तो ये देखिए, यहाँ पे जो घिरा हुआ है वो स्टेयर्स हैं। स्टेयर के थ्रू हम लोग जाते हैं फ़्लाइट के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ लेडीज़ हैं, अफ्रीकन लेडीज़, जो कि जा रही हैं फ़्लाइट के अंदर। ये पूरा स्टेयर है, स्टेयर के थ्रू, क्योंकि फ़्लाइट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो बस अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं फ़्लाइट के अंदर। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या है फ़्लाइट के अंदर। यहाँ पे कुछ मेंशन किया जा रहा है, लिखा जा रहा है कितने पैसेंजर अभी तक जा चुके हैं फ़्लाइट के अंदर, और ये हम आ चुके हैं फ़्लाइट के अंदर। पहले ये जो सीटें हैं ये है बिजनेस क्लास का, और इसके पीछे है इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास के लोग इस सीट पर बैठते हैं, और जो फ्रंट की सीट थी वो बिजनेस क्लास के लिए थी। तो ये होता है नज़ारा कुछ अंदर का। तीन सीटें एक तरफ, तीन सीटें दूसरी तरफ, और ऊपर सामान रखने के लिए जगह होता है। तो ये है हमारी एयर होस्टेस, जो कि सबको अपनी सीट बता रही है। अगर किसी को नहीं पता है सीट कैसे देखना है, तो एयर होस्टेस हेल्प के लिए होती हैं हर जगह। और ये हमारी इथोपिया एयरवेज की फ़्लाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं उस पर लोगो बना हुआ है इथोपिया एयरवेज का। और ये है मेरी सीट, तो मेरी विंडो सीट है, और वैसे भी पैसेंजर बहुत ज़्यादा है नहीं, तो कहीं भी बैठ सकते हैं फ़्लाइट में। तो ये होता है नज़ारा पूरा फ़्लाइट का। आप देख सकते हैं एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं और फैंस, एसी लगी हुई है फ़्लाइट के अंदर। देखिए, ये सामान ऊपर रखने का जो रख रहे हैं लोग, ये सामान ऊपर रखने के लिए जगह होता है। तो फ्रेंड्स, ये है नज़ारा कुछ फ़्लाइट के बाहर का, जो मैं विंडो से शूट कर पा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं फ़्लाइट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो फ़्लाइट को चेक कर रहे हैं कि कोई ख़राबी तो नहीं, कुछ इशू तो नहीं है। इसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाएगी। तो मे बी 5 से 10 मिनट में फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ करने वाली है। अभी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, और ये पूरा फ़्लाइट का व्यूज है, और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यूज क्या है। फ़्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करेगी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे टेक ऑफ करती है। पूरा पॉसिबल तो नहीं होगा लेना, कैप्चर करना कैमरे में, क्योंकि बहुत हिलता रहता है टेक ऑफ के टाइम। तो पीछे की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ़्लाइट अभी चलने के लिए रेडी है, कुछ म्यूजिक बज रहा है फ़्लाइट में, और अभी स्टार्ट हो गई फ़्लाइट। ክቡራትና ክቡራን መንገደኞች በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ለመብረር እንኳን ፐር ስክሪን ላይ ቁጭ ያለ ነው። ከዚህ ቀጥሎ यहां के लोकल लैंग्वेज में ጥንቃቄዎች የምናደርገውን ገለጻ በተሟላ ये दिखा रहा है कि कैसे बैठना चाहिए, रूल रेगुलेशन वगैरह, जो एलसीडी लगी है ऊपर की तरफ उसमें। ethiopian airlines boeing 737-800 aircraft, please pay attention to the demonstration of safety features and procedures. फ्लाइट में क्या सेफ्टी फीचर्स वगैरह हैं सारी कुछ वो बताया जा रहा है। और बाहर का मैं अगर दिखाऊँ व्यूज तो काफ़ी फुटेज हिलेगा, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो देखने में, साफ क्लियर दिखाई ना दे फुटेज। तो फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है फ्लाइट का विंग, और इधर है रनवे। ये है रनवे, इधर पीछे की तरफ जाएगी फ्लाइट। ये इधर है रनवे पूरा, और इस तरफ जाएगी फ्लाइट और फिर घूम के इस रनवे पे दौड़ेगी, यानी रन करेगी।
रनवे पे अभी फ्लाइट जा रही है, तो मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी अभी जा रही है रनवे के पीछे की तरफ और वहां से फिर रिटर्न होके फिर आगे की तरफ जाएगी और टेक ऑफ करेगी। तो अभी फ्लाइट बहुत स्लो है, रनवे पे चल रही है और अभी चल रही है, फिर दौड़ेगी थोड़ी देर बाद जब वहां से रिटर्न होगी पीछे से, तो वो दौड़ेगी। तो फ्रेंड्स दिखाता हूँ मैं आपको पूरा प्रोसेस, मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस की कैसे यहाँ पर जाती है। और जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो आपको सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक ऑफ में थोड़ा सा झटका लगता है, तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं जब भी फ्लाइट में बैठे और टेक ऑफ करें, तो फ्लाइट जरूर लगाएं और मोबाइल को अपने फ्लाइट मोड में रखें। मैंने भी अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में ही रखा है। तो फ्लाइट अभी टर्न कर रही है, टर्न करने के लिए पूरा जगह बना हुआ है यहाँ पर। और ये है सिटी बुजंबुरा। अभी टेक ऑफ कर चुकी है और ये है लेक ऑफ तांगान का, जैसा कि आप देख सकते हैं लेक ऑफ तांगान का ऊपर उड़ रही फ्लाइट अभी। फ्लाइट बहुत नीचे है और धीरे धीरे हम लोग बादलों के भी ऊपर जाएंगे, तो अभी देख सकते हैं ये फ्लाइट बहुत नीचे है, ये अभी इतनी ऊपर नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे बादलों के हम ऊपर चले जाएंगे। जैसे अभी बादल ऊपर दिख रहे हैं, ये बादल हमारे से नीचे चले जाएंगे। अभी फ्लाइट कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, कंटिन्यू हाइट ले रही है। अगर नीचे का मैं दिखाऊँ आपको तो नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा और ऊपर के बादल धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं और थोड़े ही देर में हम लोग बादलों के ऊपर होंगे। ये सूरज दिख रहा है, सूरज की रोशनी, और नीचे कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स हम लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ग्लास के ऊपर बादल आ गए, बादल पानी लग गया है, तो बाहर का अभी कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए हम लोग बादलों में एंटर कर चुके हैं, बादलों की वजह से, बादलों में टकराने की वजह से ये फ्लाइट हिल रही है। बहुत ही तेज अभी बादल के अंदर आ गए हैं हम लोग और ये पूरी फ्लाइट जो है हिल रही है। अभी बादलों से हम लोग निकल चुके हैं और बादल काफ़ी नीचे चला गया, आप देख सकते हैं। देखिए इधर बादल है और बादल के हम लोग आ गए हैं ऊपर की तरफ। ये उस साइड में पूरा बादल है और
जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग बादलों के ऊपर जाएंगे, तो अभी आ चुके हैं ऊपर बादलों के, और इसके ऊपर और ऊपर जाएंगे, तो अभी फ्लाइट इतनी ऊपर चली जाएगी कि वहाँ से बादल भी नहीं दिखेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा बादल है, बादलों के ऊपर हम लोग अभी उड़ रहे हैं। बादल कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन बादल दिख रहा है, और शायद ये बरसने वाला बादल है, मैं भी बरस रहा होगा नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर से दिख नहीं रहा है। बहुत ही बड़ा बादल है, बहुत ही घना है, तो जहाँ पे भी ये बादल लगा हुआ है, जिस भी शहर पे लगा हुआ है, वहाँ पे बारिश ज़रूर हो रही होगी। और हमारी फ़्लाइट अभी टर्न कर रही है, देखिए कैसे टर्न करती है। इधर का विंग्स नीचे की तरफ हो गया और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है, तो मे बी इसी वजह से टर्न कर रही है फ्लाइट। और देखिए नीचे की तरफ बादल बहुत ज़्यादा है, और ये बादल तो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत, टू मच क्लाउड। देखिए लग रहा है ऐसे कि बादलों की एक सफ़ेद चादर सी बिछी हुई है, पूरे आसमान को ढके हुए है बादल ने, देखिए कैसा ढका हुआ है। सिटी पे ये बादल लगा होगा, वहाँ पे बारिश ज़रूर हो रही होगी। जिस भी शहर के ऊपर ये बादल है, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा छा गया होगा। यहाँ पे देखिए ये बादल कैसा दिख रहा है, कैमरे में पूरी तरह से कैप्चर नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं अपनी खुली आंखों से देख पा रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ से। और फ्लाइट हमारी अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, देखिए मैं दूसरी खिड़की से दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं काफ़ी ऊपर, तो अभी निकाल देते हैं जो सीट बेल्ट है उसको खोल देते हैं, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक नई चीज़ फ्लाइट में। मैं भी बहुत सारे अपने भाई होंगे जो फ्लाइट में कभी नहीं चढ़े होंगे, उनके लिए एक नई चीज़ दिखाता हूँ मैं कि फ़्लाइट में क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं फ्लाइट के पीछे की तरफ और देखते हैं कि पीछे है क्या। तो पीछे बहुत सारी मशीनें लगी हैं और वहाँ पे होंगी क्रू मेंबर पीछे बैठे हुए, और ये है फ्लाइट में टॉयलेट। टॉयलेट को ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको, देखिए ये है टॉयलेट पूरा बना हुआ है। और क्रू मेंबर मेरे को बोल रही हैं कि फ्लाइट अभी अनस्टेबल है, बादलों के बीच है, तो आप बैठ जाए, बाद में टॉयलेट यूज करें। तो फिर अब मैं वापस आ गया हूँ, तो ये है पूरा फ्लाइट का नज़ारा, और सब कुछ अवेलेबल है जो ज़रूरी होता है फ्लाइट में, आप मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको और दिखाता हूँ कि इसमें है क्या, फ़्लाइट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक तो ये है कि यहाँ पे रख के खाना खा सकते हैं, ठीक है, ये है, ये हर सीट के पीछे लगा हुआ है, आप जहाँ भी देखेंगे वह हर सीट के पीछे लगा हुआ है। और बाकी इसके अलावा इसके अंदर ये है सेफ्टी फीचर, क्या क्या है फ़ोन इसके अंदर देख सकते हैं, कैसे क्या क्या सेफ्टी फीचर है, कितने गेट्स हैं, वो सारी चीज़ें लिखा हुआ है इस मैनुअल में। बाकी सेम चीज़ इस साइड भी है, और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। और इसके अलावा एक लिफाफा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सैनिटाइजर है, इथोपियन एयरवेज का पेपर वेट टॉयलेट। ये जो बादलों के नज़ारे हैं वो मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जो अभी तक फ्लाइट में कभी बैठे नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो
मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो देख के आप सभी लोग पहले तो एक्सपीरियंस कर लें कि हाँ फ्लाइट में होता क्या है, और आप लोग भी ज़रूर कभी ना कभी फ़्लाइट पे बैठेंगे तो वो उस टाइम आपको काम आएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी थी वीडियोज़ में और ऐसा होता है। तो अभी हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप बादल नीचे है और हम लोग काफ़ी ऊपर है बादल से। अभी भी फ़्लाइट हमारी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है क्योंकि तो मुझे नीचे की चीज़ें दिख रही है, कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा मैं भी क्योंकि तो कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे नीचे की चीज़ें दिख रही हैं तो मैं कह सकता हूँ कि फ़्लाइट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। और ये बादलों के नज़ारे आप देख रहे हैं, हाँ इतने ऊपर तो हैं हम लोग कि बादलों से ऊपर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, अभी फ़्लाइट और ऊपर जाएगी।